नमस्कार, कांताकर कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में स्पाइसी पास्ता। तो आइए हम स्पाइसी पास्ता बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक बाउल में 200 ग्राम के करीब पास्ता ले लिए हैं। 200 ग्राम पास्ता बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी भगोने में डाल देंगे एक बड़े बर्तन में, और इसमें हम तेज गैस पर उबाल लगा लेंगे पहले पानी में, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल। अभी हम पानी में उबाल लगा देंगे और ये प्लेट को ढक देंगे जिससे पानी में जल्दी उबाल आए। ये देखिए, देख लेते हैं हम, पानी में उबाल आ गया है। देखिए, अब हम ये पास्ता उबलते हुए पानी में डाल देंगे। मीडियम गैस पर हम इसको ढककर पका लेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि पास्ता गले हैं या नहीं। इस तरह से एक निकाल कर हाथ से चेक कर लेंगे, अभी हल्के से टाइट है। हम थोड़ी देर और पकाएंगे। इनको गलने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये हम दोबारा देख लेते हैं। ये अब गल चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये पानी को हम निकाल लेंगे। ये हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें छलनी इस तरह से रख लेंगे। और ये हम पानी इसका निकाल देंगे। अब हमें थोड़ा सा इसमें सिंपल पानी डालना है ठंडा। और हम वापस से ये बर्तन में डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम बिल्कुल चिल्ड पानी, ठंडा, फ्रिज का। ये हमने ठंडा पानी इसलिए डाला है ताकि ये पास्ता हमारे चिपके नहीं, खिले खिले, अच्छे से खिले खिले बने। 2 मिनट हम इसमें रखेंगे इसे। देखिए, बिल्कुल भी अब इसमें माट नहीं रहा है, बिल्कुल खिले खिले बन चुके हैं। अब इनको हम दोबारा से छलनी में निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इसका पानी निकाल देना है और ऐसे हम छलनी को रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी भगोने में गिरता रहे, सारा पानी निकल जाएगा। ये साइड में रख देते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई लेंगे। हम पास्ता के लिए सब्जियां कुक कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा।
ये थोड़ा चटक जाएगा, फिर अब हम डालेंगे इसमें अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, इनको भी हम भून लेते हैं। अब हम डालेंगे प्याज 1 बारीक कटा हुआ, ये डालेंगे बीन्स 8-10 बीन्स ली है मैंने, 1 छोटा शिमला मिर्च, इनको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम ये पत्ता गोभी भी डाल देंगे। ये देखिए थोड़ी वेजिटेबल कुक हो चुकी है, ये देखिए हल्की सी गल रही है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, ये हमने टमाटर कट करके रखे हुए। और थोड़ी देर भून लेंगे। ये हमारी बीन्स गल चुकी है, शिमला मिर्च भी, वेजिटेबल्स कुक हो गई है। अब हम इसमें विनीगर डालेंगे, ये मैं 1 ढक्कन विनीगर डालूंगी। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप नींबू भी यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस डालेंगे हम। लगभग 2 चम्मच, स्पाइसी बना रहे हैं इसलिए इसमें 2 चम्मच रेड चिली सॉस। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच टमाटो केचप, हमने मिक्स कर दिया। अब हम डाल देंगे पास्ता, ये हमारा पानी अच्छे से निकल चुके हैं और बिल्कुल खिले हुए हैं, ये हम डालेंगे पास्ता। और अब हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्च थोड़ी, देखिए स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक। और ये डालेंगे हम 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और ये मेरा चाट मसाला
आधा चम्मच चाट मसाला, अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है। हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं और देखिए कितने अच्छे पास्ता बने हैं। स्पाइसी पास्ता बनकर तैयार, अब हम इनको सर्व कर देंगे। कि पास्ता बहुत अच्छे बने हैं, खाने का मन कर रहा है तो फटाफट प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए गरम गरम पास्ता, आप बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरे पास्ता की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।